हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू सी लेसन नंबर 14 कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस. ओके, टुडे वी आर गोइंग टू लर्निंग एसएस चैप्टर नंबर 14. Thank you.
इंडियन काउंसिल्स ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो इंडियन काउंसिल से हमारी एग्रीकल्चर जो एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर की रिसर्च करती है, मतलब स्टडी करती है एग्रीकल्चर के बारे में, उसे बोलते हैं ICAR, इंडियन काउंसिल्स ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च. हैज क्लासिफाइड द इंडियन सॉइल इनटू 8 टाइप. उन्होंने एग्रीकल्चर जो रिसर्च है उन्होंने स्टडी करके एग्रीकल्चर मतलब सॉइल के कितने पार्ट्स बताए हैं, 8 टाइप्स. तो फर्स्ट है एल्यूवियल सॉइल्स, ओके. सेकेंड है रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, लैटेरिट सॉइल्स, डेजर्ट सॉइल, माउंटेनियस सॉइल्स, फॉरेस्ट टाइप ऑफ सॉइल एंड स्वैम्प टाइप सॉइल. ये टाइप्स, ये जो सॉइल्स के क्या है टाइप है वो आपको ध्यान में रखना है. कौन से 8 है. एल्यूवियल सॉइल्स आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 82 में दिए हैं उन्होंने. एल्यूवियल सॉइल्स, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल्स, लेटेरिट सॉइल्स, डेजर्ट सॉइल, माउंटेनियस मतलब जो माउंटेन में पाई जाती है वो, एंड फॉरेस्ट टाइप सॉइल्स एंड स्वैम्प टाइप्स ऑफ सॉइल्स. सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन. अभी हमें सॉइल का कंजर्वेशन कैसे करना है ये हमने टाइप दे दिया. अभी नेक्स्ट है कंजर्वेशन. कंजर्वेशन का मतलब मैंने फर्स्ट में ही आपको बताया था, मतलब उसका प्रिवेंशन करना, उसका रक्षण करना. कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, ओके. अभी कंजर्वेशन ऑफ सॉइल में क्या आएगा. सॉइल इरोजन इज कॉज बाय फ्लोइंग वाटर और एयर. द रैपिड माइग्रेशन ऑफ टॉप सॉइल पार्टिकल बाय नेचुरल फोर्स इज कॉल्ड सॉइल इरोजन. अभी सॉइल इरोजन किसे बोलते हैं, कि सॉइल इरोजन मतलब सॉइल इरोजन इज कॉज बाय फ्लोइंग वाटर और एयर. जो फ्लोइंग वाटर होता है और एयर होता है, अभी वाटर एक जगह पे नहीं रहता, वो फ्लो करता रहता है और एयर भी फ्लो करती रहती है. द रैपिड माइग्रेशन ऑफ टॉप सॉइल पार्टिकल्स, जो टॉप सॉइल पार्टिकल्स सॉइल के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, पार्ट्स होते हैं, वो क्या उसके वजह से वो भी उनके साथ जाते हैं बाय नेचुरल फोर्स. नेचुरल फोर्स के वजह से जोर से यहाँ से वहाँ जाते हैं. इट्स कॉल्ड सॉइल इरोजन. इसकी वजह से मिट्टी जैसे ओरिजिनल फॉर्म में होती है उसका फॉर्म चेंज हो जाता है बिकॉज वाटर फ्लोइंग की वजह से, एयर फ्लोइंग की वजह से, ओके. ड्यू टू दिस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल इज रिड्यूस. इसके वजह से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है ऑफ सॉइल इज रिड्यूस, वो कम होती है. इट शुड बी प्रिवेंटेड. हमें इसका क्या करना है, प्रिवेंट करना है. सो नेक्स्ट वन है मेजर टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन. अभी हम सॉइल इरोजन कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं. ट्री शुड बी प्लांटेड टू फ्लो लैंड. हमें क्या करना है, ट्री ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट करना है. स्टेप फार्मिंग शुड बी डन वेयर देयर इज स्लोपिंग लैंड. स्टेप फार्मिंग करना है जहाँ पे स्लोपिंग लैंड, स्लोपिंग मतलब ऐसी लैंड होती है नीचे जाने वाली, वहाँ पे हम लोग स्टेप फार्मिंग करना है, मतलब ऐसे ऐसे स्टेप फार्मिंग करते हैं वो. अ बैरियर शुड बी बिल्ड एंड ग्रेजिंग एक्टिविटी ऑन लैंड शुड बी कंट्रोल. ये हमें करना है. नेक्स्ट है लैंड कंजर्वेशन. अभी हम लोग देखने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ लैंड. हमें लैंड का कैसे कंजर्वेशन, कंजर्वेशन मतलब रक्षण कैसे करना. लैंड कंजर्वेशन नेक्स्ट पॉइंट है ये. लैंड कंजर्वेशन, ये ठीक, यू गोइंग टू सी दिस पॉइंट. लैंड कंजर्वेशन, लैंड कंजर्वेशन मीन्स मेंटेनिंग सॉइल क्वालिटी बाय प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन. हमें मेंटेन करना है सॉइल की क्वालिटी जो है उसे मेंटेन रखना है. ग्रो ट्री ऑन रिवर रैविन्स एंड माउंटेन स्लोप. हमें माउंटेन पे और रिवर के साइड के यहाँ पे ज़्यादा ट्री ग्रो करना है. उससे क्या हो जाएगा, जो फ्लो है वाटर का वो थोड़ा कम हो जाएगा, बीच बीच में वो रुकेगा. इसके वजह से हमें क्या करना है, ट्री ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है, ग्रो करना है. टू प्रिवेंट विंड गस्ट इन द एरिया क्लोज टू द डेजर्ट ग्रो रो ऑफ ट्रीज. हमें वहाँ पे ट्रीज कैसे रो ग्रो करना है. अनकंट्रोल्ड ग्रेजिंग शुड बी प्रिवेंटेड. द ऑर्गेनिक मैटर शुड बी एडेड टू सॉइल विच हैज लॉस्ट इट फर्टिलिटी. दस कोलेबरेटिव एफर्ट शुड बी कैरिड आउट बाई ऑल टूगेदर. जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, हम जो सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर्स डालते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलिटी अच्छी होने के लिए डालते हैं, बट उसकी वजह से कम होती है, तो हमें
ज्यादा एफर्ट लेना चाहिए लैंड को कंजर्वेशन करने. ओके अंडरस्टैंड. आवर नेक्स्ट वन इज वाटर रिसोर्सेज. गोइंग टू सी वाटर रिसोर्सेज. So in water resources, the amount of potable water on the earth is about 3%. जो actually amount है potable water का वो कितना है earth में only 3%. On third of earth is covered by water. One third जो amount of water है वो कितना है पूरे earth में 1/3. Water is a precious gift from nature. वाटर कैसे है बहुत प्रीशियस गिफ्ट है हमारे जो हमें मिला है नेचर से. बिकॉज वाटर इज सो यूजफुल सोर्स फॉर बेसिक डेली ह्यूमन एक्टिविटी. क्यों यूजफुल है? बिकॉज हम मॉर्निंग से लेकर रात तक वाटर यूज करते हैं और ये हमारा बेसिक डेली एक्टिविटीज में आता है. वाटर इंडस्ट्री एग्रीकल्चर सब जगह पे वाटर बहुत यूजफुल है. वाटर रिसोर्सेज इंक्लूड ओशंस, बे, रिवर्स, लेक, ग्राउंड water etc. Rain is the main source of water resources on the surface of earth. Rain क्या है? Water resources का main surface rain है. Main resources rain है. All sources are attribute to rainfall. Surface water source include river, lake, pond, springs etc. Among them river is considered to be main source. इसमें सब में जो river है वो water का main source माना जाता है. गेटिंग सोने अभी पढ़ा वाटर रिसोर्सेस. अभी वाटर की स्कर्सिटी पढ़ेंगे. स्कर्सिटी मतलब वाटर कम होना. वाटर की जरूरत हम कैसे यूज कर रहे हैं उस पे. ओके वाटर स्कर्सिटी. वाटर इज अ प्रीशियस गिफ्ट फ्रॉम नेचर. द ग्रोइंग डिमांड फॉर फूड, फॉर ग्रोइंग पॉपुलेशन, फॉर ग्रोइंग कैश क्रॉप, increasing urbanizations and high living standard have resulted in increasing demand for water. अभी water का demand इतना बढ़ गया है क्योंकि क्या हो रहा है population बढ़ रहा है. करें population बढ़ने की वजह से urbanizations हम जहाँ पे भी देखे वहाँ पे अभी urbanization start हुआ है मतलब और population बढ़ रहा है. इसके वजह से water का भी ज़रूरत ज़्यादा बढ़ती है. water is required for cleaning the dirt. फर्स्ट तो हम लोग डर्ट क्लीन करने के लिए वाटर यूजफुल है. करंटली द बेसिक क्राइसिस ऑफ वाटर स्कर्सिटी इज इंक्रीजिंग इन मेनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री. हमारे कंट्री में बहुत सारे पार्ट में वाटर की ज़रूरत है अभी बहुत ज़्यादा. वहाँ पे वाटर की कमी पाई जाती है और शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज ऑब्जर्व. एट प्रेजेंट ग्राउंड वाटर लेवल हैज ड्रॉप सिंस ग्राउंड वाटर इज एक्सट्रैक्ट थ्रू ट्यूबवेल. टूडे कंट्री इज फेसिंग सीरियस प्रॉब्लम लाइक डिक्लीनिंग अवेलेबिलिटी एंड इंक्रीजिंग स्कर्सिटी ऑफ वाटर. आज हम वाटर के बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं. नेक्स्ट है मेंटेन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज. नेक्स्ट पॉइंट है मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज. अब हम इसकी स्कर्सिटी मतलब कमी वाटर की कमी. यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज के बारे में हमने पढ़ा कि वाटर कैसे इंपॉर्टेंट है, कैसे यूज होता है. यहाँ पे हमने कमी देखी. क्यों कमी है? बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन. मतलब अभी सब मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, हम डेवलपमेंट हो रही है कंट्री, वैसे वाटर की जरूरत भी ज़्यादा हो रही है. अभी पॉपुलेशन बढ़ रहा है, सो ये हमने वाटर स्कर्सिटी में पढ़ा. अभी हम क्या करेंगे? मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट करना चाहिए वाटर रिसोर्स का, नहीं तो ये जो रिसोर्सेस है हमारा वाटर रिसोर्सेस, इसमें हमें बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे. सो वाटर के बारे में ही है वाटर मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज. और नेक्स्ट पॉइंट है मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट. वाटर के बारे में पढ़ रहे इसलिए ये पॉइंट इसमें है. मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज ओके. Today limited amount of water is available. Polluted water is great problems. Water कैसे है? Polluted है मतलब खराब हो चुका है. So prudent use of water and measures to maintain it is very necessary. हमें water maintain रखना बहुत important है.
वाटर इज आवर शेयर्ड रिसोर्स, वाटर किससे हमारा शेयर्ड रिसोर्स है। फॉर वाटर प्रिजर्वेशन कॉमन रेमेडी शुड बी द नेसेसरी सच एज बिल्ड मोर एंड मोर रिजर्वर, मेक एफर्ट टू ब्रिंग ग्राउंड वाटर लेवल अप, हार्नेसिंग फ्लोइंग रिवर वाटर, मेजर शुड बी टेकन टू स्टॉप एंड कलेक्ट रेन वाटर। सच कंस्ट्रक्शन डैम्स, रिचार्ज वेल, फॉर्म पाउंड, हमें क्या करना चाहिए, वाटर कंजर्व जमाने के लिए ये सब चीज़ें करना है, डैम करना है, कंस्ट्रक्ट करना है डैम, वेल्स डैम प्रोड्यूस करना है, फार्म में पॉन्ड बनाने हैं। इसकी वजह से क्या होगा, वाटर एक जगह पे रह जाएगा और उसकी क्वांटिटी बढ़ेगी, वो फ्लो नहीं करता, वो रहेगा बस, हम वाटर जमा के रख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस ग्रीन अवेयरनेस एंड इंक्रीज पब्लिक पार्टिसिपेशन वाटर कंजर्वेशन, पब्लिक भी पार्टिसिपेंट होना चाहिए वाटर कंजर्वेशन के लिए, बिकॉज हम जितना हम खुद से जब स्टार्ट करेंगे वाटर कंजर्वेशन करने के लिए, तभी स्लोली स्लोली क्या होगा, वाटर हम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, तो वाटर हमें वाटर की स्कर्सिटी नहीं झेलनी पड़ेगी। वाटर शुड बी यूज स्पेरिंगली गार्डन एंड टॉयलेट, प्रोटेक्ट रिजर्वर एंड रिवर फॉर पॉल्यूशंस, यूनिट विच यूज ग्राउंड वाटर शुड बी मॉनिटर्स। ओके, दैट्स वी हैव लर्न्स अबाउट द मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट्स ऑफ वाटर रिसोर्सेज। सो वी हैव लर्न्स अबाउट द वाटर रिसोर्सेज। नाउ वी आर गोइंग टू सी मिनरल रिसोर्सेज। अभी मिनरल्स कौन से होते हैं, वो रिसोर्सेज क्या हैं और उसका कंजर्वेशन समय कैसे करें। ओके, दैट्स वी आर गोइंग टू लर्न इन नेक्स्ट पॉइंट। उसका यूज़ वो लिमिटेड होते हैं, तो हमें उसका यूज़ कैसे करना है, अच्छे से करना है।
should be used judiciously if conservation is also kind of saving. It is important to find an alternative to minerals that are on verge of extinction. Wherever it possible, process should be done to recycle minerals. जहाँ पे recycles हो सकता है mineral का possible है वहाँ पे हमें करना है. Next is forest and wildlife resources. After mineral resources, going to see forests and wildlife resources. Human existence and progress are attributed to various resources. We have been fulfill our various needs by taking various things from nature. हम nature से सब जो भी हमारी जरूरत है वो सब ले रहे हैं. Among these forests are very important resources and wildlife is also unique and diverse. Natural resources में जो main point आता है वो forest resources. Forest resources से हमें जो भी मिलते हैं हम use कर रहे हैं. एंड अमॉन्ग दिस वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज भी हमारे बहुत डाइवर्स है, मतलब उसमें भी बहुत विविधता हमें देखनी मिलती है. डाइवर्स उसे बोलते हैं, मतलब अलग अलग टाइप के हम लोग एनिमल्स देखते हैं फॉरेस्ट में, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, डाइवर्स वाइल्ड लाइफ. ओके, ग्रेट इंपॉर्टेंट इज गिवन टू फॉरेस्ट इन इंडियन कल्चर्स. फॉरेस्ट को जो है वो इंडियन कल्चर में बहुत इम्पोर्टेंट दिया है. इम्पोर्टेंट ऑफ फॉरेस्ट, अभी फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंट क्या है, अनकाउंटेबल है. बहुत सारे फॉरेस्ट के इफेक्ट है, जैसे फॉरेस्ट आर यूजफुल टूज इन मेनी वेज. टीक एंड सालवुड इज यूज एज टिम्बर. टीक और साल यूज किया जाता है टिम्बर के लिए, होम फर्नीचर के लिए. हम ट्रीज के जो ब्रांचेस होते हैं, वुड्स होते हैं, वो यूज करते हैं. आर मेड ऑफ फ्रॉम इट. स्पोर्ट्स आर्टिकल्स आर मेड फ्रॉम सेडर्स एंड पाइन्स. बास्केट पेप रेयन एक्सेट्रा कैन बी मेड फ्रॉम बाम्बू. वी गेट लाइक प्योर ग्लू हनी हर्ब्स. जो भी हर्ब्स जो भी मेडिसिन है वो भी हमें फॉरेस्ट से मिलती है. फॉरेस्ट के डिफरेंट टाइप ऑफ ट्री होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए यूजफुल होते हैं. ग्लू बनाते हैं, हनी मिलता है हमें फॉरेस्ट से. फॉरेस्ट प्रोवाइड लाइवलीहुड टू द पीपल लिविंग इन इट. कोई कोई लोग अभी भी फॉरेस्ट में रहते हैं, तो उनके लिए फॉरेस्ट ये क्या है, लाइवलीहुड्स, मतलब इन हैबिटेंट है, मतलब उनका निवास स्थान है हम बोल सकते हैं. अलोंग विद द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट, द इन्वायरमेंटल इम्पोर्टेंट ऑफ द फॉरेस्ट इज ऑल्सो स्पेशल. फॉरेस्ट रिटेन मॉइस्चर बाय प्रिवेंटिंग क्लाइमेट फ्रॉम बींग एडवर्स. मोर एवर इट इज यूजफुल टू ब्रिंग मोर रेनफॉल. फॉरेस्ट जितना अच्छा हो वहाँ पे रेनफॉल अच्छी होती है. सो इट्स यूजफुल टू ब्रिंग मोर रेनफॉल. इट इज ऑल्सो हेल्पिंग कंजर्विंग ग्राउंड वाटर लेवल एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन. ये ऑल्सो इम्पॉर्टेंट है कंजर्विंग ग्राउंड वाटर कंजर्व करने के लिए और प्रिवेंट सॉइल इरोजन. इट हेल्प, हमने सॉइल इरोजन अभी पढ़ा था. सॉइल इरोजन मतलब मिट्टी जो है वो फ्लो ना हो ज़्यादा, इसकी वजह से इरोजन्स होता है. इसकी वजह से हम लोग ट्री लगाते हैं, तो वो देखा तो फॉरेस्ट भी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इट हेल्प इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर. जो फॉरेस्ट है वो बैलेंस करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एटमॉस्फेयर. गेट इट. सो हमें क्या करना है, फॉरेस्ट का कंजर्वेशन भी करना है. नेक्स्ट वी गोइंग टू सी द फॉरेस्ट कवर इन इंडिया इज वेरी लेस. इंडिया में फॉरेस्ट कवर कम है. द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया इन द अंडमान निकोबार आइलैंड एज वेल एज इन द स्टेट ऑफ मिजोरम मणिपुर त्रिपुरा अरुणाचल प्रदेश. यहाँ पे फॉरेस्ट लैंड ज़्यादा है. ओके, द फॉरेस्ट कवर इन माउंटेनस रेंज ऑफ नॉर्थन इज मोर देन 60% अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट. मतलब स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, डिपार्टमेंट के अनुसार, 1718 के अनुसार, आउट ऑफ द टोटल एरिया ऑफ गुजरात फॉरेस्ट कवर इज 11.18%. अकॉर्डिंग टू द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 33% ऑफ द टोटल लैंड एरिया शुड बी कवर बाय फॉरेस्ट.
The forest cover in India is only about 23%. Okay? जो इंडिया का फॉरेस्ट कवर है वो बहुत कम है, दैट इज इन 22% ओनली. और ज्यादा फॉरेस्ट कहाँ पे है, फॉरेस्ट कवर ज्यादा कहाँ पे, कवर मतलब फॉरेस्ट का एरिया कहाँ पे ज्यादा है, अंडमान निकोबार में ज्यादा है और बाद में मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, जो सेवन सिस्टर स्टेट हम बोले जाते हैं, वहाँ पे ज्यादा क्या है, फॉरेस्ट कवर्स. ओके, मतलब फॉरेस्ट एरिया ज्यादा है. अभी हम लोग देखेंगे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज. और अभी फॉरेस्ट का कंजर्वेशन करना कैसे है, मतलब उसकी रक्षा कैसे करनी है. फॉरेस्ट कंजर्वेशन, हियर वी आर लर्निंग अबाउट द फॉरेस्ट कंजर्वेशन. टुडे फॉरेस्ट आर डिसअपीयरिंग रैपिडली. आज फॉरेस्ट कैसे हो रहा है, कम कम होता जा रहा है. क्यों? बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, उसी जगह पे बिल्डिंग्स बना रहे हैं, तो वहां पे फॉरेस्ट कम होता जा रहा है. डिक्रीजिंग फॉरेस्ट हैव बिकम द मेजर प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड. देयर आर मेनी रीजन फॉर डिफॉरेस्टेशन. ड्यू टू ग्रीडनेस ऑफ मैन टू गेट लैंड्स, रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्री, टिम्बर्स, अर्बनाइजेशन एक्सेट्रा, फॉरेस्ट आर डिक्रीजिंग रैपिडली. फॉरेस्ट डिक्रीजिंग के मेन पॉइंट क्या है, क्यों हो रहा है, अर्बनाइजेशन. जैसे कि अभी मैंने बोला कि लोग का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो लोग कहाँ पे अभी रहने के लिए जगह नहीं है, तो वो क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट के लैंड, फॉरेस्ट को कट करके, ट्री को कट करके वहाँ पे जगह बना रहे. टिम्बर जैसे कि फर्नीचर बनाने के लिए हमें ट्री की जरूरत होती है, तो वो फॉरेस्ट में मिलते हैं बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में. रॉ मटेरियल इंडस्ट्री के, इंडस्ट्री बनाने के लिए रॉ मटेरियल जो लगता है, तो वो भी हमें कहाँ से मिलता है, फॉरेस्ट से. Due to hazard disruptions of forest, the environment has suffered some adverse consequences. इसके वजह से क्या हो रहा है, एडवर्स कॉन्सिक्वेंसी हम लोग परिणाम भुगत रहे हैं. जैसे इंक्रीज इन पॉपुलेशन, डिक्रीज इन रेनफॉल, ड्राउट, ये सब हमने पढ़ा था ड्राउट के बारे में, मतलब सूखा पड़ जाता है फॉरेस्ट में. फॉरेस्ट ही नहीं है, पेड़ ही नहीं है, तो एब्सोल्युटली रेनफॉल कम होगा. रेनफॉल के वजह से सूखा पड़ जाएगा, मतलब ड्राउट आ जाएगा, सॉइल इरोजन होगा, जमीन खराब हो जाएगी, मतलब फर्टिलाइज नहीं रहेगी, वहाँ पे ज़्यादा क्रॉप नहीं बढ़ेंगे. इनडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ एंड देयर रिड्यूसिंग नंबर्स. जो एनिमल्स है, जो फॉरेस्ट में रहने वाले एनिमल्स हैं, उनका तो घर चला जाएगा हमारे वजह से, और उनके नंबर्स कम हो जाएंगे. इंक्रीजिंग ग्लोबल टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा. डिस्ट्रॉइंग नेचुरल ब्यूटी, हमारी जो नेचुरल ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी किससे ब्यूटी एक्चुअली है, हमारे ट्री से, फॉरेस्ट से. इसके वजह से टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं जहाँ पे अच्छा इन्वायरमेंट रहेगा, राइट, तो वो हमारी नेचुरल ब्यूटी डिस्ट्रॉय होना मतलब चली जाएगी. तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट द प्राइम ड्यूटी ऑफ सिटीजन इज टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ. हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, मतलब जो इंडिया का संविधान है, उसमें भी लिखा है कि हमारी प्राइम ड्यूटी क्या है सिटीजन की, कि प्रोटेक्ट करना, इम्प्रूव करना नेचुरल इन्वायरमेंट. हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट हमें क्या करना है, इम्प्रूव करना है, फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ, ये सब. एंड शो कंपेशन टू लिविंग बींग. फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर ऑल्सो प्रोटेक्ट बाय लॉ. देयर इज ऑल्सो प्रोविजन फॉर पनिशमेंट. फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के लिए भी लॉ रखे हैं, मतलब फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के लिए लॉ रखे. जो भी फॉरेस्ट में जाके कोई भी ट्रीज तोड़ रहा है अभी, उनको भी पनिशमेंट मिलती है, करेक्ट. और कोई भी अभी हंटिंग नहीं कर सकता है वाइल्ड लाइफ का, मतलब वाइल्ड जो एनिमल्स रहते हैं उसका हंटिंग करने में भी क्या है, बहुत सारे लॉ रखे हैं. और वो जो तोड़ते हैं उनको क्या होता है, पनिशमेंट होती है. ओके, सो इससे हम लोग फॉरेस्ट का कंजर्वेशन कर सकते हैं. इसके वजह से बहुत कम होगी, हो गई. पहले कैसे हंटिंग वगैरह फ्रीली कर सकते थे, लेकिन अभी नहीं करना है, बिकॉज हमें फॉरेस्ट का क्या करना है, कंजर्वेशन करना है. सम ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन मेजर RS और RS फॉलो. कुछ मेजर कंजर्वेशन दिए फॉरेस्ट के, वो नीचे है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. बस अभी रीडिंग करती हूँ. फर्स्ट वन इज फॉरेस्ट कंजर्वेशन कैन बी डन थ्रू इन्वायरमेंट. फॉरेस्ट कंजर्वेशन कैसे होता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, ये भी सब. ओके,